पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस में बड़ा हादसा, गर्म चाय गिरने से 3 यात्री गंभीर, 2 यात्रियों की करौंदा मोहासा रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से कूदने से मौत। दरअसल पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस में गरम चाय गिरने से 3 यात्री झुलस गए, वहीं 2 यात्री गरम चाय गिरने के बाद ट्रेन से कूद गए, जिनकी घटना स्थल पर मौत हो गई। मिली जानकारी अनुसार यात्री विश्वनाथ चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश, मनीष कुमार उम्र 25 वर्ष निवासी महाराजपुर उत्तर प्रदेश एवं दीपक उम्र 32 वर्ष निवासी गोरखपुर, जो गोरखपुर पुणे से पुणे की यात्रा कर रहे थे। तभी ट्रेन में चाय बेचने आया वेंडर की केतरी से गरम चाय गिर गई, जिससे 3 यात्री बुरी तरह से झुलस गए। वहीं 2 यात्री ट्रेन के गेट पर बैठे हुए थे, वह गरम चाय गिरने के बाद करौंदा मोहासा रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन से कूद गए, जिनकी घटना स्थल पर मौत हो गई। जिसके बाद मौके पर भागकर थाने से पुलिस पहुंच गई, जो मामले की जांच कर रही है। वहीं 3 गंभीर घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर जीआरपी एएसआई मूलचंद जवानों के साथ पहुंचे और घायलों के बयान दर्ज किए। वहीं सूचना पर आरपीएफ इंस्पेक्टर भी जवानों के साथ पहुंचे और घायलों से बातचीत की। डॉक्टर ने गंभीर हालत के चलते घायलों को सागर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दीपक नाम है मेरा, गोरखपुर रहने वाले हैं, जा रहे थे गोरखपुर से पूना, गोरखपुर पूना जा रहे थे, वहाँ पूना के लिए, ठीक है, मैं सोए थे, चाय गिरे, सब आदमी भागने लगे, ठीक है, 2 आदमी कूद गए ट्रेन में से, गेट पर बैठे थे, उसके बाद में हम देखे थे तो चाय है, उसके बाद पूरा देख रहे हैं, पूरा खुलारा पड़ गया। हमारे साथ ये हो गया है, कैंटीन में ट्रेन में चाय गिरा दिया कैंटीन वाले ने, तो ये बीना के उधर हुआ था, फिर यहाँ पे अपना उसको पकड़ के बीना स्टेशन पे दिया, मतलब बंदे को पूना जा रहे थे सर, गोंडा से बैठा हूँ, गोंडा जंक्शन से बैठा यूपी में पड़ता। आज सुबह सुबह 7 बजे करीब 3 घायल व्यक्ति ट्रेन नंबर 15029 है, पुणे साप्ताहिक ट्रेन जो झांसी तरफ से आ रही थी, गोरखपुर से चलती है वो, पुणे जाती है, साप्ताहिक ट्रेन है, उसे 3 व्यक्ति थाने आए हुए थे घायल अवस्था में, जो जले हुए थे, जिन्होंने बताया कि हम लोग गोरखपुर से पुणे जाने के लिए कल दिनांक 25/7/2024 को ट्रेनों के आगे तरफ के जनरल कोच में बैठे थे। बीना आने के 10-15 किलोमीटर पहले की बात है, सुबह सुबह एक व्यक्ति ट्रेन में थर्मस लेकर चाय बेचने आया और चाय बेचते समय किसी कारणवश वो थर्मस उनके हाथ में से छूटकर बैठे हुए नीचे ट्रेन में डिब्बे में नीचे बैठे हुए यात्रियों के ऊपर वो थर्मस गिर गया, जिससे गर्म चाय उछलकर इनके ऊपर गिर गई है। जो घायल है उनमें एक मनीष कुमार है राजभर, एक विश्वनाथ करके चौहान है और एक यात्री का नाम है दीपक हरिजन, जो पूना अपनी मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, जो घायल अवस्था में थाने आए थे तो उनको हॉस्पिटल इलाज हेतु भर्ती किया गया है, जिसमें एक घायल विश्वनाथ करके है उसे सागर रेफर कर दिया गया है, क्योंकि वो ज़्यादा जला हुआ है, उसके सिर में सीने में जले के निशान हैं। 2 व्यक्ति यात्री अभी यहाँ पर घायल हैं, जिनके कथन लिए गए हैं, आगे की वैधानिक कार्रवाई जाँच पर से की जाती है। उसको लेके आए हुए हैं, उसे पूछताछ हेतु थाने बैठाया गया है।